अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे ढेर सारा। चले जी, आज मैं बना रही हूँ सिर्फ लड्डू। ये है चने की दाल के लड्डू, गुड़ वाले। ये तकरीबन 2 दिन हो गया मैंने इनको बना के रख लिया था इस मटेरियल को, और मैं लड्डू बनाना बनाना रोज़ सोच रही थी, अच्छा आज बना लेती हूँ कल बना लेती हूँ, बट टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज थी छुट्टी बच्चों की, मेरी नहीं छुट्टी, औरतों की किचन की छुट्टी नहीं होती भी, तो बच्चों की छुट्टी थी तो मेरे पास टाइम बच गया था, तो मैंने कहा चलो जी यहाँ पे इसको यूज़ किया जाए इस टाइम को। तो जल्दी जल्दी ये मैंने बनाना शुरू कर दिए। ये बड़े मज़े के लड्डू हैं, ये सर्दी में बहुत मज़े के लगते भी हैं और ये ज़्यादा कैलोरीज वाले भी नहीं होते। ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाए थे एक्चुअली। वो पंजीरी वंजीरी कुछ नहीं खाते और ना ही वो खाते हैं बेसन का कुछ भी, तो ये चने की दाल का था मैंने बनाया मटेरियल, बड़ा मज़े का गुड़ डाल के। ये इसका कलर जो चेंज लग रहा है डार्क डार्क, ये एक्चुअली कलर डार्क उसकी वजह से है, गुड़ की वजह से है, क्योंकि वो डाइट पे हैं तो उनकी डाइट को मद्देनज़र रख कर बनाया गया। ये डाइट वाले लड्डू हैं तो लिहाजा ये उनकी डाइट को मद्देनज़र रख के बनाया था, तो वो ईज़िली खा सकते हैं जो जो बंदा डाइट पर करे। मैं इसकी रेसिपी आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो जी ये फाइनली मेरे सब लड्डू बन गए हैं और हो गए हैं तैयार। ये मैंने जार में डाल के रख लिए। ये मेरा हर स्नैक जो होता है ना, मैं इसी जार में डाल के रखती हूँ, मेरा फेवरेट वो है जार। अच्छा जी, लोग खा रहे हैं पाकिस्तान में शादियों के लड्डू और मैं यहाँ पे हूँ बहुत दुखी उन लड्डुओं की वजह से, शादी के लड्डू की वजह से। क्यों दुखी हूँ ये बात मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। अभी आप ये मेरी क्लीनिंग देखें, गंदे हाथ लगा चुकी थी, उसके बाद मुझे अफसोस लग गया कि ये ऊपर से गंदा हो गया तो इसको साफ़ कर लिया जाए। टिशू सामने था और मैंने किया फिर इसको साफ़। और दूसरी तरफ बच्चे मेरे, जब मैं भी बिज़ी होती हूँ किचन में आई हुई होती हूँ बच्चों का, वैसे भी मैं ना भी बिज़ी हूँ तो बच्चों का काम यही होता है कुछ खाने को दे दे, कुछ खाने को दे दे, बेशक बच्चे खाएं या ना खाएं। ये केक पड़ा हुआ था, हम लोगों ने केक खाना नहीं था, डाइटिंग की वजह से नहीं खाना था, वरना इतना मज़े का केक कौन छोड़ता है। तो मैंने कहा अच्छा जी आ जाएं, ये पड़ा हुआ है क्यों ना इस पर हाथ साफ़ करें आप लोग। तो ये मैंने स्टिक, इसकी बड़े मज़े मज़े की स्टिक थी, मैंने चखी है, थोड़ी सी चखी है, इतना तो चिटिंग में चलता ही है। तो ये मैंने स्टिक साइड पे निकाल के रख ली है और ये मैं बना रही हूँ बच्चों के हिस्से, छोटे वालों को छोटे छोटे हिस्से, बड़ों को बड़े बड़े हिस्से, क्योंकि छोटे जो होते हैं वो ज़रा मैस ज़्यादा करते हैं और खाते कम हैं, तो इसलिए मैंने कहा वो ईज़िली खा लें। तो यहाँ पर उनका मैं बना रही हूँ हिस्सा। अच्छा, एक बड़े दुख की बात ये है कि आप जब डाइटिंग पे होते हैं ना, आपका मीठा खाने को भी बहुत दिल करता है, जबकि वो चीज़ें आपको नहीं भी पसंद होती ना, तो वो बेइंतहा खाने को दिल करता है बंदे का दिल। मैं मीठे की शौकीन बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट जब मैं ठीक ठाक किस्म की डाइटिंग पे होती हूँ ना, फिर मेरा बड़ा शदीद दिल करता है मैं कुछ मीठा खाऊं। अच्छा जी, वो मेरे मीठे के दुख सुख रह गए एक साइड पे। यहाँ पर मैं आ गई हूँ बच्चों के कपड़े इस्त्री करने के लिए और मैं यहाँ स्टार्ट करी हूँ कपड़े, और साथ ही मुझे याद आ गया कि ये मैं आप लोगों को दिखाऊँ सॉक्स। मैं सॉक्स लेकर आई थी, ये 2 हैं बड़े बच्चों की और ये जिन पे ये छोटे छोटे से कार्टून्स बने हुए हैं ना, ये 2 छोटे अब्दुल्ला और इब्राहिम के लिए लेकर आई थी, ये उनके लिए ओपन कर रही हूँ। उनको बहुत पसंद है कोई ना कोई कार्टून उसके ऊपर बना हुआ। तो यहाँ जी मैं कर रही हूँ कपड़े प्रेस बच्चों के, और यहाँ बताती हूँ मैं अब आप लोगों को कि मेरा दुख क्या है। मेरा दुख वो शादी के जो लड्डू है ना, उनसे रिलेटेड दुख ये है कि पाकिस्तान में चल रही हैं शादियाँ, और शादियाँ पाकिस्तान की आपको पता ही है कितने मज़े की होती हैं, कितना इन्जॉय करता है, स्पेशली अगर कोई क्लोज़ शादी हो तो वहाँ पे हमारे रिलेटिव में आ रही हैं करीब करीब शादियाँ, और सब मेरी बहनें वहाँ पे कर रही हैं तैयारियाँ, शारियाँ, लहंगे शहंगे, साड़ियाँ शाड़ियाँ, और मुझे लाकर दिखाती हैं ऑनलाइन कि जी हम ये लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं। मैं यहाँ बैठी दूर बैठी जेलस होती जा रही हूँ क्या मैं क्या करूं भाई। ये सारी सीधी सीधी हर औरत ये मेरे दुख को जानती होगी कि पाकिस्तान में कोई बहन भाई आपका वहाँ पे शादियाँ अटेंड करा, जो बहन यहाँ बैठी हुई है परदेश में बैठी हुई है, और वो बेचारी वहाँ ना जा सके, तो यकीनन वो दुखी तो होगी, उसका दुख बनता है। और सर्दियों की शादियाँ, वाह क्या मज़ा आता है वहाँ पर, मुझे अभी भी याद आती हैं शादियाँ। बंदा सोच में तो सोच सोच के इन्जॉय कर रही हूँ, बट अभी इन्जॉय सिर्फ वो सोच के कर रही हूँ, असल में तो मैं ये सोच के दुख कर रही हूँ कि वो लोग इन्जॉय कर रहे हैं, ज्वेलरीज ला रही हैं, साड़ियाँ ला रही हैं, लहंगे लेकर आ रही हूँ, और मैं यहाँ पर चुपचाप घर की रूटीन, चलो जी यहाँ पर शादियाँ वादियाँ आती कोई नहीं है, खुद ही जो भी आपने करना है बर्थडे शर्डे या जो भी आपकी सेलिब्रेशन आपस में आप लोगों ने कर लेनी है। खैर, ये दुख मेरा बहुत बड़ा दुख है आज का। और यहाँ पे साथ साथ मेरे हो गए हैं कपड़े ऑलमोस्ट डन, ये
ऑलमोस्ट डन तो नहीं कह सकते, बट जल्दी जल्दी मुझे पड़ी हुई है, क्योंकि बच्चों को चेंज करवा लेने के बाद मैंने और भी ढेर सारे काम करने होते हैं कि चलो बच्चे चेंज कर लेंगे, फिर मुझे तसल्ली हो जाती है कि चलो बच्चों ने चेंज कर लिया, अब वो रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे, मैं बाद में अपने काम करती रहूँगी जो भी करने होते हैं। बच्चे नीट एंड क्लीन के किरण सबको अच्छे लगते हैं, और सुबह सुबह उठकर मैंने अपने बाकी काम करना शुरू कर दिए थे, तो आज छुट्टी थी, मैंने भी ज़रा सुस्तीपन दिखाया, मैंने कहा चलो रहने दो जी, जान दो बच्चे ऐसे, अब थोड़ा काफ़ी लेट ही हो गया, थोड़ा नहीं काफ़ी लेट हो गया बच्चों के चेंज करवाने में। और ये देखिए कितनी प्यारी माशाल्लाह लग रही है मेरे बच्चों की शर्ट, ये मेरे बड़े बेटे की शर्ट है, ये डन हो गई है, इतनी दबा दबा के इस्त्री करने के बाद भी साइड पर रह गई है थोड़ी सी सिलवटें, मेहनत में अजमत नहीं है यहाँ पर नहीं जी मेहनत में अजमत है, यहाँ मेहनत में अजमत है। और ये दूसरे बच्चों की थी, वो हिस्सा जाने दें, अगला देखें, अगली चीज़ इंजॉय करने वाली है। इतना थक जाने के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा चलो जी चलना है बाहर खाना खाने, मैंने तो इनकार करना ही नहीं था, मैंने कहा जी, तो यहाँ पे हम आ गए हैं लाल किला बुफे खाने, ओए होए होए क्या मज़े का खाना था, क्या यम्मी खाना था, स्वाद ही आ गया। और यहाँ की ये बत्तियाँ भी देख लें आप लोग, और यहाँ हम आ गए हैं अंदर, और सबसे ज़्यादा जो दुख की बात यहाँ पर हुई है वो ये हुई है, हम बिल्कुल एसी के सामने आके बैठे थे, और मेरा बेटा बैठते साथ ही कंप्लेन कर रहा था, मम्मा यहाँ पे बहुत वो ठंड है यहाँ पे, ये बाजू के ऊपर, ये नहीं आपने देखा ये हल्की हल्की जो इसकी वो हो रही है बाजू के ऊपर मालिश, ये इसलिए हो रही है, ये यख एरिया होता है जहाँ बिल्कुल एसी के सामने आप बैठ जाएँ, आप कोई भी बैठा हुआ होगा तो वो यकीनन इस चीज़ को फील कर सकता है। वो मेरी प्लेट है जो गुजर के गई, वो बच्चों की थी, ये मेरे हस्बैंड की प्लेट है, बच्चों ने वहाँ पे सिर्फ 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 मीठा खाया और कुछ नहीं, और ये मेरी दूसरी प्लेट है अच्छा मैं यहाँ पर साग लेकर आ गई थी, बड़ा मज़े का था पाकिस्तानी साग, तो वो मैंने इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जी हो गया है डिनर फिनिश, और बच्चों ने यहाँ पर हमला कर दिया है आइसक्रीम पर, हम लोगों ने अपना जो डाइट फूड था वो खाना था वो खा लिया, मैंने राइस नहीं खाया, वैसे मेरी प्लेट में नज़र आ रहे हैं वो चखन मखन किए हैं, मैंने खाए हुए कोई नहीं है। और यहाँ पर हो रहा है मेरे हस्बैंड का आईफोन यूज़, आईफोन नहीं कहना था फ़ोन यूज़ कहना था, जाने दीजिएगा प्लीज़ इस बात को और यहाँ का नेशनल डे आ रहा है, यहाँ की सेलिब्रेशन चल रही हैं बड़े मज़े मज़े की, और बच्चे कह रहे हैं कि जी मम्मा अब हम लोगों ने घर नहीं जाना, अब हमें यहाँ सामने लेकर जाएं, सामने समंदर है और बच्चों की अट्रैक्शन बन गई है, तो वहाँ पे सारी फैमिली बैठी हुई थी, तो बच्चों ने कहा कि चलो जी चलें, मैंने भी अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा चलें जी बनता है आज बच्चों का बाहर जाना, बच्चे कम कम बाहर निकलते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बड़े बच्चे कम निकलते हैं, ये मेरे बच्चों का दोनों बड़े बच्चों का बड़ा फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पर मीठी चीज़ें बहुत होती हैं, यहाँ पिज़्ज़ा भी होता है, बर्गर भी होता है, और फ्राइज़ भी होते हैं, जेलीज़, तरह तरह के डिफरेंट केक भी होते हैं, तो वो बड़ा मज़े का बच्चों का सीन रहता है ये। और जी ये आपको मैं पूरा अबू धाबी इस टाइम दिखा रही हूँ, मतलब गोल गोल घूमकर एक ही वीडियो में तो नहीं दिखाया जा सकता, और यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं फुल एंड फुल इंजॉय, आप भी करें हमारे साथ इंजॉय।
रात के टाइम ये व्यू बहुत मज़े का लग रहा था, बहुत मज़े का, मौसम भी बहुत ज़्यादा मज़े का हो रहा था और साथ में ठंडी ठंडी सी हल्की हल्की सी हवा चल रही थी, उससे तो चार चांद लग गए थे। अच्छा हुआ मैं आ गई, वरना मेरा प्लान बन रहा था नहीं जी इसकी बजाय कहीं मैं कहीं और चली जाऊँ, मतलब मैं शॉपिंग करने का सोच रही थी तो, बट बच्चों के आगे मेरी एक ना चली। और ये माशाल्लाह ये मोहम्मद अब्दुल्ला इंजॉय करे, मैं वैसे देख रही हूँ कि अब्दुल्ला है कि इब्राहिम है, और ये यहाँ पे बच्चे करे हैं अपने डैडा के साथ इंजॉय, आप भी करें हमारे साथ इंजॉय देखकर, और हमें ढेर सारी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।